ठीक है, कुछ चोट ऐसी होती हैं जो कि एक्सरे में नहीं दिखती, जैसे इनकी हाथ में कोई भी पार्ट है तो हड्डियों का पार्ट होता है जो कि एक्सरे में दिखता है। लेकिन ये हाथ संसार का सबसे बेस्ट गिफ्ट है पूरे पर्सन को, किसी भी जानवर को ये हाथ नहीं दिया गया है। इनका जो मूवमेंट है किसी को नहीं मिला है, उन सबको टांगे बना दी गई हैं। ऐसी इनमें जो हमारी जो ये बॉडी पार्ट है या ये टांग वाला पार्ट है, इसमें सिर्फ हड्डी है और दो मांसें, एक आगे और एक पीछे। लेकिन इस हाथ में इतनी सारी नसें हैं जो पूरे ब्रेन में, उन सारी नसें इसमें कंट्रोल हो रही हैं, इसलिए ऐसे मूवमेंट होता है। इसी से आप लर्निंग करते हो, सीखते हो। इसके साथ जब ये वॉलीबॉल खेल रहे थे, जो हाईली ट्रेंड और हाईली डिमांड गेम है, जिसमें से बॉल तेज़ी के फोर्स से आती है, उसको कैच कर कर उसकी फोर्स को लेकर वो दोबारा रिप्लाई करते हैं। ऐसी इनके जब चोट लगी थी तो जब इन्होंने एक्सरे कराया तो उसमें एक्सरे नॉर्मल आया और हड्डी और जॉइंट नॉर्मल आए, तो उनको लगा कि चोट नॉर्मल है। लेकिन जो नसें होती हैं वो एक्सरे में नहीं दिखती, जैसे कि इनके साथ हुआ। इनको जो आगे इनका जो फ्यूचर है वो डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मतलब एनडीए में जाना है, और एनडीए में ऐसे लोग जिनको ऐसी पार्ट है जो इतनी उंगली मुड़ी हुई है, टेढ़ी है, उनको इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं। चाहे दिखने में कितना ही हो, पूरा काम कर रहा हो, लेकिन ये रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो दिखने में एबनॉर्मल दिख रहे हैं, अपीरेंस में उंगली टेढ़ी है, लेकिन काम पूरा कर रहे हैं, दर्द भी मिनिमल है, कोई ज़्यादा नहीं है, सूजन है, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही एक्सेप्ट उनको एनडीए में जाने के लिए, तो ऐसे पेशेंट डॉक्टर के लिए सबसे डिफिकल्ट होते हैं। क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो पेशेंट को ये लगता है कि छोटी सी चीज़ है, इसको रिलीज़ कर दोगे ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या कर रहा है डॉक्टर, और गारंटी भी नहीं दे रहा है, और ये कह रहा है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ड्यूरिंग ऑपरेशन डिसाइड होगा। तो पेशेंट आधे से ज़्यादा हमसे ऐसे पूछ कर चले जाते हैं और सोचते हैं कि लगता है डॉक्टर को समझ में नहीं आया। तो आप सब लोग जिनको भी इस टाइप की चोट लगती है जिसमें नसों की प्रॉब्लम होती है, तो बेहिचक करके यही एक तरीका है ऑपरेशन द्वारा विदाउट एक्सरसाइज के। अगर आप इसकी सिर्फ एक्सरसाइज कराते रहोगे तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जैसे कि इन्होंने 5 महीने से एक्सरसाइज करा रहे थे, हम इनका ऑपरेशन करेंगे और फिर इनको कहेंगे कि जैसा एक्सरसाइज हो एग्जैक्टली वैसे करोगे तो 5 से 6 महीने में ठीक हो जाओगे, नहीं तो ऐसे तक रहेगी। आप सर अपनी प्रॉब्लम बता दो ज़रा, कैसे कैसे हुआ था और हम तक कैसे पहुँचे। वॉलीबॉल खेलते वक्त लगी थी मेरे यहाँ पे, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, 4-5 डॉक्टरों को दिखा लिया, वो बोल रहे हैं पता नहीं कुछ, पता नहीं चल रहा है। फिर यहाँ पे जयपुर आया मैं तो मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पे मित्तल ये हॉस्पिटल है, उनके पास दिखाओ, बढ़िया हैंड सर्जन है। आपको बेस्ट डॉक्टर कैसे सेलेक्ट करना है, वो इस टाइप के केस करते हैं नहीं करते हैं, और उनके रिजल्ट प्रॉपर हैं तो उनसे कराने के बाद ये नहीं पूछना है कि ठीक होगी कि नहीं होगी, वो बेस्ट ट्राई करेंगे अपने।